पहले तो आपके नाम का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप मुझे बताइए ताकि मैं गलती ना करूं। इट्स करिश्मा। कर मैं माफी चाहता हूं। विद रिस्क। मुझे भी आज ही पता चला। यस पंकज जी। हां रियली बट यू नेवर करेक्टेड एनीबॉडी। इतने साल हो गए अभी जो भी बुलाना है जस्ट प्यार से बुलाते हो तो बुला लीजिए बस। बट आई ऑलवेज कॉल्ड अ लोलो सो लोलो। या आई डोंट नो एनी अदर नेम। यस दोस्तों मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं और आज जिस कहानी की बात करने में आया हूं और जिस कहानी की कहानियां सुनने आया हूं वो इतनी सीधी सादी नहीं है। वैसी है कहानी, वैसी है ये बहुत ही रोचक यात्रा इस फिल्म की जिसका नाम है मर्डर मुबारक जो नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। ये जो मेरे साथ बहुत ही सीधे सादे भले दिखने वाले लोग हैं इनके चेहरों पर मत जाइएगा क्योंकि इनमें से कोई भी खूनी हो सकता है। इनके अलावा जिन पे अभी तक मुझे शक नहीं हुआ है आप सब भी देखिएगा। और मैं स्वागत करता हूँ हमारे साथ जो बहुत अद्भुत कलाकार हैं सुहेल नय्यर, सारा अली खान, संजय कपूर, विजय वर्मा, करिश्मा कपूर, जिसका चोपड़ा और मेरे दोस्त और आप सबके अजीज पंकज त्रिपाठी। अगर कभी आप ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जिसको आप पसंद नहीं करते लेकिन वो निभाना है, हाउ इज दैट? पहली बार बहुत मुश्किल होती है, फिर वो कर लेते हो तो फिर उसके बाद में आपको लगता है कि यार जब चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, नहीं अच्छी लग रही है लेकिन कहानी में दम है तो करने के बाद जो मज़ा आता है वो अद्भुत होता है क्योंकि आप कंफर्ट जोन के बाहर जाके कर रहे हो, ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आपको जिससे आप सहमत नहीं हो। आप इंसान के तौर पर वैसे नहीं है। हाँ खुद के ऊपर घिन भी आती है कि क्या कर रहा है रोज जाके ये। मैंने बहुत सारे एक सीरियल किलर पे किया है, उसके पहले एक ऐसा हस्बैंड जो काफ़ी अब्यूज़ करता है वाइफ को इन डार्लिंग्स। अंदर का एक्टर बोलता है कि ये करना ज़रूरी है तभी अपने आप को पुश कर पाओगे, तभी आप थोड़े से कंफर्ट जोन के बाहर जाके कुछ कर रहे हैं। मेरे से बड़ा मुश्किल होता है, अब तो मैं जो पसंद करता हूँ वही करता हूँ तो मुझे लगता है यार होगा ही नहीं, मज़ा ही नहीं आएगा। अगेन कई बार ये होता है कि यार भले मैं नापसंद कर रहा हूँ बट क्या ये कहानी समाज के लिए कैरेक्टर का खराब होना कुछ देगा क्या? क्योंकि आप अच्छे लोग क्या होते हैं उनको समझाने के लिए बुरे लोगों को तो बताना ही पड़ेगा। तो कई बार कभी होता है तो मैं उस प्रस्पेक्टिव से अपने आप को कन्विंस करता हूँ कि इस व्यक्ति का खराब होना इस स्टोरी को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है। विलन आपने अभी तक नहीं किया? किया है, सबको हीरो बना देता हूँ। कालीन भैया विलेन है लेकिन लोग प्रेम करते हैं। पाउडर में एक था नावेद अंसारी, पाउडर सीरीज में ड्रग माफिया था लेकिन उससे आपको जुड़ाव हो जाएगा, आप अचानक उसको महसूस करने लगेंगे। तो मैं विलेन्स को उनके परिवार वाले और उनके बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। गब्बर सिंह की बेटी को लगता होगा पापा मेरे हीरो हैं, आज काम करने गए हैं कमा के आएंगे तो घर पे रात को बढ़िया भोजन बनेगा। ऑफिस गए हैं वहाँ पे हाथ काट दिया ठीक है, वो तो पापा का काम है अपना। जॉब प्रोफाइल है तो हीरो हमारे, जॉब प्रोफाइल है। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि आपको एक कैरेक्टर को जज करना चाहिए, बिकॉज क्यों आप जज कर रहे हो? जो इंसान गलत काम कर रहा है अपनी साइड से उसके पास जस्टिफिकेशन है उस चीज की। वही जो मैं कह रहा हूं बिकमिंग द अदर, दूसरा बन के। जो इंसान किसी भी तरह का घिनौना काम कर रहा है तो अपनी साइड से तो वो सही ही कर रहा है ना, चाहे उसको इतनी सेल्फ अवेयरनेस है या नहीं है कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसके रेपरकशंस क्या होंगे या मेरे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस क्या हैं जिसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ, वो तो अपनी मोटिवेशन से चल रहा है। सो आई ऑलवेज ट्राई एंड लुक फॉर मोटिवेशंस फॉर द कैरेक्टर। आई एब्सोल्युटली एग्री कि उस टाइम पे जज नहीं करते हो बट आप कितना भी कोशिश कर लो आप वो नहीं। घुमा फिरा के आप घर पे आते हो तो आपको लगता है यार चार लोग डरे हैं आपसे आज सेट पे, तो वो जो फीलिंग होती है उससे मैं थोड़ा सा यू नो मुझे कोफ्त हुई। मुझे तो बहुत मजा आता है तो मैंने बहुत कर लिया। आई तो फील नहीं, मुझे मुझे ऐसा लगता है विदाउट इतने डीप के अलावा विदाउट गोइंग सो डीप वेन आई मैंने जब नेगेटिव रोल किए मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मैंने अपना करियर शुरू किया सारी रोमांटिक पिक्चरों के साथ, तो एज एन एक्टर आई एंजॉय डूइंग दैट रोल। I didn't, matlab, these are all very deep thoughts, but as an actor, I felt I had so much more to offer. Yeah.
तो मुझे वो करने में बहुत मजा आया. मतलब मैं सब आपने रोमांटिक फिल्म में किया है, ये किया है, वो किया, और देन यू गेट अ चांस टू यू फील अ ग्रोथ एज एन एक्टर. सो दैट प्रोसेस आई एंजॉयड. सुहेल आप इतने सीधे लगते हैं. मैं लगता हूँ? मैं सीधा लगता हूँ. मतलब बड़ा खुश हो गया. कुल मिला के बढ़िया आदमी लगते हैं आप. क्यों किया आपने ये मर्डर? मैंने नहीं किया. मैं तो लगता हूँ सीधा, तो मैंने नहीं किया मर्डर. जो जो कास्ट होगी उसमें ऑन द यंगेस्ट साइड पे हैं आप. वेरी नॉट द ओनली वन. या ऐसे अद्भुत कलाकार हैं. Are you catching something from them? Are you getting inspired in some small ways? बिल्कुल. मतलब सर हर जगह हर मोमेंट पे लाइफ के आपका सीखना तो रुकता नहीं. और मैं थिएटर से शुरुआत की थी लाइफ में और फिर FTII गया था. तो पंकज सर से मैं FTII में मिला था एक बार. वो पुणे में कुछ शूट कर रहे थे और ये आए थे, तो हमारे वहाँ पे एक विजडम ट्री है, वहाँ पे बैठ के हमने थोड़ा ज्ञान विजडम आदान प्रदान किया. तो सीख तो हम बचपन से ही रहे हैं, और मुझे लगता है जब तक लाइट बातें करनी थी पर मैं बोल रहा हूँ, जब तक सांसें चल रही हैं हम सीखते ही रहेंगे. तो ग्रोथ है वो. बिल्कुल वंडरफुल. नहीं नहीं, लाइट बातें ही हो रही हैं. जिन बात जो बातें लाइट में हो, लाइट बातें होती हैं. आप सबके कोई फेवरेट जासूस या डिटेक्टिव कैरेक्टर्स रहे हैं? मतलब ये तो मैं है ही फेवरेट. ACP साहब, पीटर सेलेस फॉर मी. मुझे लगता था कि वो जो है काम पूरा कर लेते थे, बट वो हंसी मजाक से काम पूरा करते थे. आई थिंक शर्लॉक होम्स की जो सीरीज है नेटफ्लिक्स पे भी है, तो आई थिंक मतलब वो देखने में मुझे मजा आता है, बट आई प्रेफर रीडिंग. क्या आप में से कोई भी इंक्लाइंड था टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी कि जासूस की तरह सोचना? नहीं, जासूसी की तरफ तो इंक्लाइंड नहीं था, बट मेरे को सुपर हीरो बनना था बचपन में. सुपर कमांडो ध्रुव बनना था या नागराज बनना था. आई थिंक समथिंग टू डू विथ सॉल्विंग क्राइम. बचपन से एक थीम बहुत पसंदीदा थीम थी. कौन सा सुपर पावर चाहिए होगा आपको? जानवरों से बात करने वाली क्षमता. वाह वाह वाह. जिसका आपसे पूछना है कि आपने क्यों किया ये मर्डर? नहीं किया ना. बहुत लंबा पॉज था. मैं बड़ी खतरनाक टेबल पे बैठा हूँ क्योंकि खूनी यहीं कहीं है शायद. एक डेढ़ खून करके जो आया हुआ है पता नहीं यहाँ है. ऊपर देखिए, ऊपर से भी देख रहा हो सकता है हमको. फिल्मों में आप लोगों को कौन किलर का कैरेक्टर जो पसंद आया हो, मेल या फीमेल? मैंने काफ़ी प्ले किए हैं. आपका पता नहीं क्या ये मर्डर से क्या रिश्तेदारी है आपकी? मेरा नहीं है. ये जो जो आज के जनरेशन का राइटर डायरेक्टर है, ये लोग मर्डर के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे. इनके सबके दिमागों में खून घूम रहा है और हमारे पास आ जाते हैं रोल लेके, अच्छा तो हम कर लेते हैं. मैं तो बहुत शांति प्रिय और बहुत ही अहिंसावादी इंसान. नेक इंसान. क्या किलर का चेहरा, उसका रूप बदला है? पहले वो ज्यादा लीथल, अभी अब ज्यादा न्यूआंस्ड है आज की फिल्मों में? या किलर आपके आसपास ही रहता है और बड़ा अच्छी नौकरी भी करता है, या बहुत सिंपल लोग हैं? पहले प्रेजेंट कर देते थे तो कि ये तो जैसे मोगैम्बो और गब्बर तो ये ट्रेडिशनल विलन हैं, right. तो ऐसा कुछ छुप के नहीं किया है. जो किया है सबको पता है, लोग डरते हैं ये ऐसा करते हैं. बट अभी की फिल्मों में और खासकर मिस्ट्री वाले पार्ट में तो भाई किसने किया पता ही नहीं है. सब कॉमन लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं. करिश्मा, आप मतलब क्या जरूरत थी आपको ये मर्डर करने की? आई एम टू इनोसेंट. आपको लगता है मैं मर्डर कर सकती हूँ? हो ही नहीं सकता. नहीं नहीं, आपने अखियों से गोली मारे की है वैसे. फिल्मों में हम जानते हैं कि कैरेक्टर्स न्यूआंस्ड होते हैं, लेयर्स होते हैं, उनकी एक कहानी होती है. लेकिन हम जब असली जिंदगी में होते हैं तो लोगों को एक ब्लैक एंड वाइट के रूप में जज करते हैं. तो आपको लगता है कि जितने लेयर्ड फिल्मों के कैरेक्टर्स हैं उतने ही लेयर्ड चूंकि जीवन के भी कैरेक्टर्स हैं, पर हम एज ह्यूमंस ये गलती कर बैठते हैं कि उनको एक ही आईने में? हाँ, यस, मैं सहमत हूँ. मैं भी सोचा तो मुझे लगा हाँ यार, हम फिल्मों में तो बहुत लेयरिंग ढूंढते हैं कि बहुत लेयर है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन लाइफ में अरे बकवास आदमी है. हम उसकी लेयरिंग पे जाते ही नहीं कि नहीं यार इसका करेक्ट. दूसरा बन के दुनिया को देखना, बिकमिंग द अदर. क्या बात है. दूसरे के चश्मे से दुनिया को देखना, जो इनको करना पड़ा होगा आपके पात्र को, उसके चश्मे से दुनिया को देखना,
आप इनसे क्यों नहीं पूछ रहे इन्होंने मर्डर क्यों किया? अरे मैं तो पुलिस वाला हूं। मेरी तहकीकात पूरी नहीं हुई अभी। अच्छा, आप भी जो आप पूछ रहे थे ना, बहुत इंटरेस्टिंग था। जब चूंकि हम इन्वेस्टिगेटर हैं, आ रहे हैं बाहर से, तो सिर्फ मतलब कैरेक्टर के लिए नहीं, बतौर एक्टर भी ना, मेरी बड़ी इंटरेस्ट बढ़ती थी इन दुनिया को जानने में। क्योंकि ये दुनिया मैंने भी निजी जीवन में, मेरे किरदार ने भी नहीं देखी है, मैंने भी नहीं देखी है। मैं किसी बड़े क्लब का मेंबर नहीं रहा हूँ आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इनफैक्ट परफॉर्मेंस में भी वो रखा है जी, कि थोड़ी सी आंख खोल के देखते हैं ये, खास करके मैम वाले ट्रैक को, क्योंकि वो दुनिया पहचानी नहीं, पहचानी हुई नहीं है। अब मेरी पहचानी हुई है, लेकिन कैरेक्टर की बिल्कुल नहीं थी। बहुत मजा आता था। पर आपने दिल्ली में देखी ये दुनिया, कैसे लोग जो ये तो उसी दुनिया से आती हैं। Excuse me, objection. Sustain. बिल्कुल क्या आपका जो कैरेक्टर है, जो आपके विपरीत है, ऐसे लोगों को उस दुनिया में, दिल्ली ना अपने आप में एक दुनिया है, बल्कि 5-6 दुनिया है। आप किसी भी लेवल पे देखिए, एक वेस्ट दिल्ली है, एक ईस्ट दिल्ली है, एक साउथ दिल्ली है। साउथ दिल्ली तो एक जोन है, प्लैनेट। उस जिमखाना क्लब में अभी भी आपको बोलते हैं कि यू नो यू कांट बिहेव इन अ सर्टेन वे, आप ज्यादा आपका फुटवेयर चेक करते हैं, यू कांट गो विदाउट इन अ टी शर्ट। एक सेक्शन है दिल्ली का जो अपने आप को एब्सोल्युटली दूसरों से ऊपर समझता है, गुड़गांव को भी बुरा समझता है, जो कि 2.5 किलोमीटर दूर है। मतलब साउथ दिल्ली और गुड़गांव में भी फर्क है। तो लोग अपने घर नहीं बेचते, पैसे हो ना हो, पर आजकल तो दिल्ली वाले सारे गुड़गांव में जाते हैं क्योंकि शराब वहां सस्ती मिलती है। एक आप अधिकारी के सामने ऐसी बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मेरी दोस्ती हो गई थी सर, हो गई हमारी। क्या जैसे मेरा था कैरेक्टर, तो इनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। अच्छा, उनको पता है कि मैं पीता नहीं हूँ, पर लोगों को बोलता हूँ कि सस्ती सस्ती शराब बिकती कहाँ है। आई बिलीव यू। करिश्मा, आपने ये दुनिया, पहले तो आपके नाम का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप मुझे बताइए ताकि मैं गलती ना करूं। इट्स करिश्मा। मैं माफी चाहता हूं। यस, करिश्मा। आई वांट टू आस्क ऑन कैमरा फॉर एवरीबॉडी टू नो। मुझे भी आज ही पता चला। यस पंकज जी, हां रियली, हां इट्स करिश्मा। देखिए, दोनों चाहे हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो, इट्स नॉट करिश्मा, दोनों नाम। But you've never corrected anybody ever. Yeah. Because now we इतने साल हो गए, अभी जो भी बुलाना है, we just found out your name, that's strange. बुला लीजिए बस. But I always called her Lolo, so Lolo. Yeah. I don't know any other name. Yes. नहीं है, बहुत अच्छा। मैं चाह रहा था आपसे कैमरा पे सवाल पूछूं। जी। आपने ये दुनिया देखी, ऐसे कैरेक्टर्स जैसा आप, स्पेशली आपका कैरेक्टर था या टिस्का का कैरेक्टर था? Honestly, मैंने देखी है। I think growing up, हमारे यहाँ काफ़ी क्लब कल्चर होता था। मेरी नानी जो थी, शी वॉज ब्रिटिश, तो मेरे नाना और नानी हमेशा क्लब जाते थे। तो यू नो, इन ब्यूटिफुल साड़ीज एंड पर्ल नेकलेस, तो हम भी जाते थे साथ में। तो इन अ सर्टन वे आई हैव सीन दैट कल्चर। तो लाइक यू से लॉट ऑफ रूल्स एंड जैसे वो कार्ड रूम होता था तो बच्चे नहीं जा सकते थे। अच्छा। तो हम लोग ये झांक के देखते थे कि क्या हो रहा है, कौन सी आंटी कैसे आ रही है बैग लेके और ये वो वो सब। तो यस, आई हैव सीन दैट। मतलब राज कपूर जी का जो खानदान, तो वो जो वो अलग ही दुनिया रही होगी। तो हमारे लिए तो नॉर्मली था, वी वर किड्स, वी ग्रू अप वेरी नॉर्मली, तो हमारे लिए वो कुछ अलग नहीं था। और वहाँ कुछ ऐसे कुछ फूफा सिचुएशन नहीं था, बस नॉर्मल दादाजी का घर, दादाजी का स्टूडियो, वो फिल्म्स बनाते थे, हम लोग सेट पे जाके देख लेते थे। तो इसीलिए वो आई थिंक एक्टिंग का जो शौक था, पैशन, वहीं से शुरू हुआ। तो ही वॉज वेरी नॉर्मल विद अस, बट यस देर वर दी स्पेशल मोमेंट्स दैट वी गॉट टू सी ऑन द सेट, अ लिटिल बिट ऑफ स्टाइल एंड And the kind of जो stardom, जो पुराना जो feel था, जो if I may say is not there today, I got to see that. So I think in a certain way, maybe somewhere I did add that to my character. Right. Yeah. संजय, आपके आसपास जो characters थे, इसमें
You've been around such people. Not really. हम चेंबूर में रहते थे तो क्लब मैं तो कोई क्लब का मेंबर नहीं था. I couldn't afford it. एक्टर बनने के बाद मैं क्लब के मेंबर हुआ. बट वहाँ पे ऐसे हॉइटी डॉइटी लोग नहीं थे. जैसे इस फिल्म में लोलो मैडम का कैरेक्टर है या किसका मैडम का कैरेक्टर है. Oops. एकदम लाइक गोलियों की बौछार से मैं बच रहा हूँ. ऐसे कैरेक्टर थे है पिक्चर में. जबरदस्त आपका भी माशाल्लाह है वैसे. मैं तो मतलब वही है जैसे होता है ना कुछ लोग होते हैं जैसे कि मेरी शक्ल है जो दिखते हैं शक्ल से बड़े अमीर है बैंक बैलेंस कम है. हाँ, वो टिप जो देता है उसमें दिख जाता है. वो मेरा रियल लाइफ में भी यही है. दैट थिंग आई गॉट इट इन द मूवी. सर आपकी जो एंट्री है इस फिल्म में और आपका जो चंचल कैरेक्टर है और उसमें थोड़ी सी आप हैं. ये इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं आप क्योंकि ऑनेस्टली मुझे लगता है कि नहीं. मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसी हूँ. कहीं ना कहीं चंचलता शायद बैम्बी में है मुझ में है. लेकिन बैम्बी की जो दुनिया है वो मेरी दुनिया से काफ़ी अलग है. मैं भी किसी क्लब की मेंबर नहीं रही हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एक दुनिया है जहाँ पे ये रूल्स वगैरह अडियर करना पड़ता है सोशल सेटिंग में मैं इस दुनिया से काफ़ी वाकिफ नहीं हूँ. आई थिंक दैट हर लैंग्वेज इज़ डिफरेंट टू माइन. The way that she is with boys specifically is very different to the way I am. You know, her no. approach to, yeah, 100%, yeah, her approach to romance that is I totally agree. Different from that mine. That I agree. I'm a that very I like agree. Traditional romantic, like, you know, zara hatke wala romance chahiye. So, ye bahut alag hai mere liye. Like, this entire, you know this. I'm not lying. Yeah, yeah. This is very true. I'll not take Zara's side. Wow. Nahin, mujhe lagta hai ki, nazar na lage. Mujhe dur se, aap maan sakte ho ki, मॉडर्न है यू नो दिखने में ऐसा लग भी सकता है लेकिन मेरे अंदर मुझे लगता है बहुत ही एक ट्रेडिशनल लड़की और मुझे नहीं पता अगर बैम्बी में वो है. आई थिंक बैम्बी टोडी इज गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ फैशन. सारा जस्ट वोर वन आउटफिट. यू नो ऑनेस्टली सर दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू. आई थिंक बैम्बी इज वेरी अवेयर ऑफ हाउ शी अपियर्स. शी इज वेरी पुट टुगेदर. शी ऑलवेज हैड दिस न्यूड नेल पॉलिश दैट आई वॉर्न ऑन टुडे लाइक अंडर ड्यूरेस. यू नो लाइक I'm not like that. I think that मैं बिल्कुल नहीं सोचती मैं क्या पहनती हूँ. लोग मुझे बोलते भी हैं. And I think honestly, on a personal note, as an actor, it's about time I get a little bit aware. But I don't really usually care. Bambi cares. खून लेकिन क्यों किया आपने इस सब का? सर मैं सीधी लगती नहीं हूँ ना इसकी तरह. इसीलिए ये आप मुझसे पूछ रहे हैं. ये तो सीधा लगता है. वो ही तो बोल रही हूँ. ये तो सीधा लगता है. जलेबी की तरह सीधा लग रहा है वो बिल्कुल. Sir, this is why you have to care about your appearances. क्योंकि मैं लगती नहीं हूँ. बट नहीं किया है इज द पॉइंट. विजय इसमें जो एक एस्पेक्ट है ऑफ द लॉस्ट लव व्हिच ब्रॉट टेंडरनेस टू द नैरेटिव आई रियली लाइक्ड इट. प्यार हुआ आपको? जी. खोया है प्यार? जी. वो जो तकलीफ होती है बहुत खूबसूरत होती है ना एक तरह से. नशा होता है वो. आदत पड़ सकती है उसकी. खोना भी ना. अच्छा बार बार खोना चाहते हैं? नहीं निकल नहीं सकते उसमें से. शायद आदत पड़ गई. बट जो आपके कैरेक्टर और सारा के कैरेक्टर के बीच का डायनामिक है उसके बारे में बताइए थोड़ा. एक बहुत लंबी दोस्ती जिसके अंदर बहुत सारे इमोशंस थे. कहीं पर प्यार भी था शायद प्यार इन्फैचुएशन भी था. तो एक जो रिलेशनशिप ग्रो करती है वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ. सो इट वॉज दैट वॉज वेरी एक नई चीज़ थी इस किरदार में कि एक दो सहपाठी दो बचपन के दोस्त जिनको शायद प्यार हुआ है शायद नहीं हुआ है शायद साथ में चीज़ें एक्सप्लोर की है शायद नहीं की है लेकिन अब ये है कि साथ में नहीं है. तो ये काशी और बैम्बी का यही था कि डिफाइन नहीं किया है फिल्म में भी. इसलिए हाँ इसलिए परफॉर्मेंसेस में हमने उसको ढूंढने की कोशिश की कि कुछ रहा होगा या कुछ छूटा होगा या ऐसी कोई मेमोरी पहले भी रही होगी. तो ये चीज़ें मैंने और सारा ने बैठ के होमी के साथ काफ़ी चीज़ें वर्कआउट की कि यहाँ पर कुछ रहा होगा. वी क्रिएटेड अ स्मॉल बैक. थोड़े परिचित भी हैं थोड़े अपरिचित भी. हाँ और डिस्टेंस भी आ गया है बिकॉज बैम्बी इज़ मैरिड और ये इस ये ना सिर्फ इस मतलब एक लड़की के चक्कर में आप शहर छोड़ सकते हो तो ये वो लड़का है. ये तो भारत की बहुत पब्लिक ने किया है. हाँ.
कि लड़की लड़की के चक्कर में शहर छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, तो ये वो है, ये दाढ़ी बढ़ा के घूमने वाला देवदास बन सकता था। Might be a bit of a digression. मैं एक किताब पढ़ रही हूँ जिसका नाम है Surrounded by Idiots. ठीक है? और उस पर बहुत ही basically मतलब थोड़ा एक सिंप्लीफाई किया है किताब में कि चार प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग होते हैं. तो मुझे एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा है जब मैं किसी और तरह के व्यक्ति के साथ इंटरैक्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये हमारी तरह नहीं है तो गलत होगा, लेकिन सबका जो देखने का नज़रिया होता है, सबका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता है. तो वो मेरे लिए एज एन एक्टर अभी शायद मैंने किया नहीं है. मैं बहुत क्यूरियस, एक्साइटेड और होपफुल हूँ कि मुझे उन किरदारों को भी निभाने का मौका मिलेगा, यू नो. तो आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू दैट, विच इज़ वॉट आई थिंक आई गॉट सम अपॉर्चुनिटी टू डू इन दिस मूवी. क्योंकि जैसे मैंने कहा था, उसकी दुनिया मेरी दुनिया से मेरे हिसाब से काफ़ी अलग है. वो जैसे एक्सप्रेस करती है, मैं शायद हमेशा ऐसे एक्सप्रेस नहीं करती हूँ. तो मुझे एक्चुअली पर्सनली लगता है दैट इट्स स्टार्टिंग टू बिकम वेरी इंटरेस्टिंग टू मी टू मूव आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई पीपल डू द थिंग्स दैट दे डू, एंड टू बी एबल टू डू दैट एज एन एक्टर इज समथिंग आई एम एक्चुअली रियली होपफुल फॉर इन द फ्यूचर. Is what I want to say. Over the years, I have learned personally and on set and even character-wise not to judge people. Mm. You know, when I was younger, and when you're younger, you know, you tend to judge or you think this or that. But over the years, I've learned professionally and personally you should not judge. But more so as an actor, I think I go by Pankaj's ways ki if you feel a character in a role, kar lo. You know, and sometimes I've also felt ki nahi yaar maza nahi aayega. Par aapka jo character hai, aapne to I feel I was very excited to do this movie because after Hum Saath Saath Hai ke baad I feel to work with such a stellar cast, you know, and do a multi-casted film with such great performers, I think that was the exciting thing for me. Mera jo kirdar hai of Shehnaz Nurani was वेरी अनयूजल. वो बहुत ही ड्रामेटिक है बट बहुत ही क्वर्की है. तो ये जो एक्ट्रेस है फिल्म में, हाउ डू आई मेक हर ह्यूमन, आई थिंक दैट वॉज द इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर मी. एंड आई थिंक टुडे इट्स अबाउट फॉर मी इज टू प्ले इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स एंड इंटरेस्टिंग रोल. वंडरफुल. हमने डिम्पल जी की बात नहीं की और वो आज आ नहीं पाई हैं, तो मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा कि आपके क्या अनुभव रहे, कोई किस्सा हो मज़ेदार सा. अरे वो तो कमाल है. उतनी सीनियर एक्ट्रेस को उतना बेचैन, कल का सीन क्या होगा, कैसा होगा, मैंने नहीं, सारी लाइंस याद थी, सारा कुछ वर्कड आउट था, एंड शी वुड बी एंक्शियस बिफोर द सीन. हर एनर्जी वाज ये करना 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 क्या करना ये करना, एंड शी वुड गो रनिंग टू द मॉनिटर. गुड एंजाइटी, वेरी गुड एंजाइटी. द एनर्जी वाज लाइक बाउंसिंग ऑफ हर. शी फैब. आल्सो दे होमी एंड डिंपल हैव बीन वर्किंग फॉर इयर्स टुगेदर, तो उनकी केमिस्ट्री जो है वो अलग लेवल की है. वो राजपाल यादव प्रियदर्शन 17 फिल्में साथ में की उन्होंने, जब देखो उनको साथ में तो आप दंग हो जाओगे. किससे एक प्रियदर्शन जी को इंग्लिश हिंदी नहीं आती और राजपाल को राजपाल भाई को इंग्लिश नहीं आती, दोनों बात करते हैं. तो ये उस तरह की एक बहुत सॉलिड ट्यूनिंग है होमी और डिंपल मैम की, जो कि बहुत देखने में बहुत मज़ेदार है. और वो ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अगले दिन आके बोलती है कि कल मेरा एक शॉट अच्छा नहीं हुआ था, दोबारा ले सकते हैं. और वही एक एक जो एंथुसियाज्म है काम को लेकर, जबरदस्त इंस्पायरिंग भी है. I've got a chance कि मैंने डिंपल आंटी के साथ काम किया था मृत्युदाता में. तो she's seen me growing up as a child. But like you say, to see her वो enthusiasm, और actually that me and Dimple आंटी are same कि दूसरे दिन we are thinking कि कल का शॉट कैसे हुआ और हम आज सेट पे थोड़ा फिर से इनएक्ट कर रहे हैं कि फिर से करें क्या. So, you know, and I think Homi also, it was a pleasure to work with because I know him from school days. Ah. So, Anaita, Homi. तभी लोलो, मैंने एक बार देखा, एक शॉट चालू था
तो लोलो की आदत है हर शॉट के बाद वो मॉनिटर के पीछे जाती है, तो हम लेट हो रहे थे तो होमी ने मॉनिटर ही ले लिया था वो सेट से कि यार मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने ओके बोल दिया, बोला यार मुझे प्लीज एक एक और मौका दे दो, एक एक देखने दो, एक चांस तो दे दो। वो हेडड्रेसर को देख के वो तो लड़ी अरे यार ये एक ऐसा सेट था जहाँ पर लोग क्योंकि एक ही होटल में रुके थे, वहीं पर शूट भी चल रहा था, कोई रूम में नहीं रहता था, सब पहुंच जाते थे सेट। आपकी जरूरत नहीं है, नहीं हम तो आ गए। आप जाइए अपने रूम पे। बहुत ही अच्छा कमरेडरी, आई थिंक वी ऑल गॉट अलोंग रियली वेल, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। एंड क्रेडिट शुड गो टू होमी बिकॉज़ ही होमी गॉट एवरीवन टू बैकअप के बाद भी फिर हम होमी के रूम में चले जाते थे और फिर वो होता था कि होमी हमको कोई सीन बता देता था कि आज बताएगा शायद, आज बताएगा हमेशा ऐसा लगता था वो मेरा अल्टीमेट मोटिव था और आई वुड लीव सो डिसअपॉइंटेड कि आज सिर्फ बातचीत हुई, इसीलिए बुलाया था, बट मैं हमेशा होमी वुड ऑफन सिट अलोन ऐसे बाल अपने पकड़ के 15 एक्टर्स डेली सेट पे और सबको मॉनिटर देखना। But I must say, I think he has removed amazing performances from each actor. You know, to handle such a big star cast and remove nuanced performances from everyone, I think. Hats off to Homi. Yeah, Homi, so the film is Homi. कमाल, Homi कहता था कि यार ये जो फिल्म बनाएंगे वो तो ठीक है, अच्छी बन जाएगी, जो हम यादें बना रहे हैं ना, ये important है. और ये बात सही है क्योंकि मैंने जब फिल्म डब की तो एक दो चीजें जब मैं देख रही थी, मुझे ऑनेस्टली डब के वक्त भी याद आया था, ओ माय गॉड, आई रिमेंबर राइट आफ्टर दिस सीन व्हाट आई एट विद सर, आई रिमेंबर राइट आफ्टर दिस सीन व्हाट जोक्स वी क्रैक्ड, इट वाज आई थिंक अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस एंड इफ आई कैन से फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव सीन, मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि पंकज सर है और ये दुनिया है, पंकज सर हैं और इस दुनिया का हर किरदार भी अलग है, मतलब इट्स जस्ट वेरी हाइपर रियल अकॉर्डिंग टू मी एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सब कोई अलग है, सबका अपना चल रहा है और आपको पता नहीं चलेगा किसने किया, इसलिए आप बार बार पूछ रहे हैं, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये देख कर। एक्चुअली मर्डर होमी ने किया, मुझे तो इन पे शक होने लग गया है। नहीं ये कर भी सकते हैं आप, कहीं ना कहीं अब बढ़ रहे हैं सच्चाई की तरफ, सही दिशा में बढ़ रहा हूं। एक गेम खेलेंगे हम जो कि रोचक है, पेचीदा है जीवन की तरह, मैं सवाल पूछूंगा और इनके पास बहुत सारे चेहरे हैं, ये बताएंगे कि जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो कौन, इनकी नज़र में कौन हो सकता है। पहला सवाल ये है कि वो कौन हो सकता है जो अपनी लाइन तो याद करे ही दूसरों की लाइन भी याद कर ले सेट पे। Okay, so it's a close call. Oh wow, really? Between Pankaj ji, मैं और विजय मिले हैं. And Sanjay ji. Always remembers everyone's lines, pauses, everything. Yeah. Perfect. Perfectly. Yeah. You win hands down. Cheers to Pankaj ji. ऐसा कौन है जो अगर सेट पे कोई जोक क्रैक हो रहा है तो सबसे जोर से हंसता हो? Oh. Yeah, that's why I'm having such a hard time. मेरी बुलंद आवाज है गाइस, यही प्रॉब्लम है। ऐसा कौन है जिसके पास किसी भी सिचुएशन के लिए सबसे अच्छी सलाह एडवाइस हो? Oh my God. ये चीटिंग भी हो रही थोड़ा दाएं बाएं देख के। नहीं नहीं, मैंने तो किसी का उठाया नहीं। मुझे किसी ने एडवाइस ही नहीं किया। नहीं, मुझे टिस्का मैम ने बहुत एडवाइस दी है। Really? Yeah, yeah. इसका जवाब मुझे पता है अगले का, लेकिन फिर भी मैं पेपर लीक नहीं करना चाहूंगा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो सेट पर हमेशा खाने को देखता है और खाने की तलाश में रहता है? Honestly, I actually think it's Sanjay sir because he remembers my food better than I do. Yeah, even so I. That's a bit suspicious. Because Sara को important to Sara को खाने की तलाश की होती है क्योंकि 24 घंटे खाना खा रही होती है, तो वो I have only been with Sara. Sanjay, I have only been eating with Sanjay sir. You know, on the day that you had to wear that dress, yeah. She didn't eat for 4 days. But that's because I spent the whole week before that eating with Sanjay sir. Bye bye. और आखिरी सवाल है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो शांति की मूर्ति, पिक्चर ऑफ कामनेस ऑन द सेट? सॉरी, मेरा वोट मुझको जाएगा। नहीं, पंकज सर।
You are the picture of your own cup. Yeah. I look at the picture. इसको देख के कोई भी काम हो जाए. हाँ. सर एक क्वेश्चन मेरा भी है सबसे कि कौन है जो सेट पे सबसे ज्यादा लेट आता था. Stop spoiling my reputation. What the hell? But you're holding your own name as you answer this in defense. Thanks a lot. Lolo, I want you to know, आपने ये पूरा आपने इनको I want you to hit it. No, but you still held your face. Why you did it? Let me hit. तो आप लोगों को क्या लगता है कि एक अच्छा जो who done it की mystery किसने किया हो crime है क्या होना चाहिए उसमें? मुझे ऐसा लगता है जो प्रोसेस है बिकॉज द कैरेक्टर्स हैव टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड मर्डर मुबारक का यही खास बात है कि कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग है कि वो जब प्रोसेस है इनका पता करने का दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एंड में आपको पता तो चली जाएगा मर्डर ने किसने किया बट वॉट यू विल एंजॉय इज द प्रोसेस द वे पंकज जी कैरेक्टर रीचेज दैट पॉइंट इवन वेन ही इज आस्किंग क्वेश्चन इज नॉट इन अ सीरियस वे इट्स इवन एवरी सीन इज सो मच फन So that was the most interesting thing about Murder Mubarak. The process was too much fun. And undercurrent of everybody not liking each other in the film. Hating each other. किसको पसंद करता है, कौन किसको नहीं करता है, कौन बताता है, कौन नहीं बताता है, कौन कौन क्या छुपा रहा है. Mysterious personalities is a part of whodunit. ताकि आपको हर एक को एक शक की नजर से देखने का ऑडियंस को भी मौका मिले. कि कुछ मोटिवेशन समझ में नहीं आना चाहिए ये क्यों किया इसने तो वो सब चीजें होती है और एक बंदा हमेशा चुप बैठा रहता है जो यहाँ देखो सबसे पहले उसी पे शक हुआ था नहीं नहीं मैं तो बहुत सीधा बहुत नहीं नहीं अभी तो सस्पेक्ट इतने ही नहीं है और भी हैं बिल्कुल बट आई थिंक पोस्ट कोविड क्या हुआ है कि लोगों ने इतना सारा कॉन्टेंट देखा है कि ऑडियंस आपसे एक दो तीन चार पांच नहीं 10-15 कदम आगे है तो वो जो 10 कदम आपसे आगे हैं आप उनसे 20 कदम आगे झांसा देना है हां बिकॉज़ दे आर सुपर स्मार्ट बिल्कुल सो यू हैव टू नॉट ओनली यू हैव टू टेक देम इन अ सर्टेन डायरेक्शन और फिर उसको रिवर्स करना है और डिस्ट्रैक्ट भी करना होता है हाँ. ये देखो वहां पर क्या है पीछे से हां इधर से खींच लिया नहीं नहीं डिस्ट्रैक्शन वाइज होमीज गॉट हिज कार्ड्स वेरी करेक्ट आई मीन लुक एट द आई एम अ डिस्ट्रैक्शन हां नहीं वो पुराने पिक्चरों में डिस्ट्रैक्शन पुराने पिक्चरों में क्या होता था कि जो मैं पिक्चर देखता था तो लगता था ये बार बार ये कर रहे हैं कि इस पे शक हो रहा है तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि वो बार बार वो उसको बता रहे हैं टन 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 वो एक खेल में और उसमें आता था वो उसके शॉट्स आते थे देव कुमार के तो वो तो पक्का नहीं होगा कोई भी मर्डर हो सकता है ये नहीं होगा बहुत शुक्रिया आप सबका सुहेल नैयर सारा अली खान संजय कपूर विजय वर्मा करिश्मा मैंने गलती अपनी सुधार ली है इस बार जिसका और पंकज जिंदगी पेचीदगियों से भरी है और ये कहानी भी खूबसूरत पेचीदगियाँ हैं मज़ा आता है इस सफ़र पे जाने में इस कन्वेयर बेल्ट पे देखते हुए कि हमारी अटैची ये है या वो है कहीं ना कहीं हम ऐसे किरदारों से मिलते हैं जो परिचित हों अपरिचित हों लेकिन रोचक ज़रूर हैं इंटरेस्टिंग ज़रूर हैं जो भी हो मर्डर मुबारक फिल्म नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है आप ज़रूर देखिए झटपट और मैं अपनी जान बचाऊंगा क्योंकि खूनी शायद इनमें से कोई है आपको शुभकामनाएं और ऐसे ही इन्जॉय करते रहिए फिल्में हमारे अद्भुत साथियों कलाकारों का काम इस फिल्म में और आगे आने वाली फिल्मों में और ऑल द बेस्ट